हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पाकिस्तानी इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस पर। इंस्टाग्राम पे भी आप सबको पता है रील्स आ गया है, कुछ लोगों को मिला है पाकिस्तान में, कुछ लोगों को नहीं मिला है। इंडिया में सबको मिल चुका है रील्स। तो काफ़ी लोग रील्स बना रहे हैं और जो नहीं बना रहे वो डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स आजकल पाकिस्तान के बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। काफ़ी उनके मेकअप आर्ट्स और मेकअप और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं वो। और टिकटॉकर्स को चैलेंज देने के लिए आ चुके हैं ये लोग। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि यार इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स भी चेकआउट करो पाकिस्तान के। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं इन पर, आप लोगों का बहुत कमाल का रिस्पॉन्स था, करीब 2.5 लाख व्यूज़ उस पर मिले थे। आई होप आप इस वीडियो पर भी वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे, इस वीडियो को उतना ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। कितने शेड होते हैं यार, पेंटिंग बढ़िया से लग रहा है यार। खुद के ऊपर खुद करना बहुत बड़ी बात होती है, एक मिरर में देख के करते होंगे। कर रही है ना। हाँ, नेक के ऊपर पूरा बना दिया एक डॉल। वाओ, ये मिशेल राजपूत है। नहीं लग रही मुझे तो, ये एनिमेटेड कैरेक्टर लग रहा है। हाँ, एनिमेटेड कैरेक्टर लग रहा है ना, क्या एकदम मानना पड़ेगा इनकी आर्टिस्ट्री को, मानना पड़ेगा। अगर इसको हमने रोका हुआ है, अगर आप देखोगे ना अभी, तो ऐसा लगेगा वो एनिमेटेड कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। या हॉलीवुड फिल्म में इतनी चीजें वीएफएक्स के लेवल पे होती है, वो इन्होंने मेकअप से कर डाला है। चलो आगे देखते हैं। बस इसका यूज किया है बता रहे हैं ना, इनको भी हमने लास्ट टाइम देखा था। ये इंस्टाग्रामर्स जो है ना, क्लासी क्लासी से लग रहे हैं थोड़े से। क्लास लगता है इनका, मतलब टिकटॉकर से ऐसा लगता है थोड़े ज़्यादा अमीर है। एक वो वाली फीलिंग नहीं आती, आई एम अ छपरी, वो वाली फीलिंग नहीं आती। देखते हैं अभी और भी बाकी है, क्या पता कोई यहाँ भी निकल जाए। ओके, मैमुना शाह, इनके तो वीडियो बहुत मस्त होते हैं, ट्रांजिशन कमाल होते हैं। वाओ, एटीट्यूड इन आईज यार, इनकी आंखें देखो, फुल ऑफ एटीट्यूड। और गाना भी बहुत सही सिलेक्ट किया उन्होंने सीन के लिए, अमेजिंग, बहुत क्लासी वीडियो। ऐसा लग रहा है ना पुराने जमाने के मुगल्स का मेकअप होता था। हाँ, वो तो हिंदुस्तानी कल्चर है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में हो। सिंधी सिंधी बहुत सही, बहुत क्लासी वीडियो था, बहुत क्लासी वीडियो था। क्या बात, मरियम परवेज। अरे वो, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्टाग्राम ब्लॉगर है पाकिस्तान में। अच्छा, जितना मुझे पता है इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत बड़ा है। इनको फर्स्ट टाइम देखा मैं, और नाम भी नहीं पता। टिकटॉक पे एक चीज अच्छी थी, नाम लिखा हुआ आता है। गलन पाया, मेकअप बाय एनी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इनके बालों का शेड और कपड़ों का शेड मैच हो रहा है। ओहो, साड़ी, ये पाकिस्तानी है, मुझे पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। थोड़ा बांग्लादेश वाला टच भी आ रहा है। मिशेल, यहाँ पर देख पूरा हार्ट है, हार्ट है यार। ये कोई हॉलीवुड विच थी, उससे इंस्पायर्ड लग रहा है। ओके, अच्छा, अरे वाह, इतनी सी दूर में इतने कपड़े, भाई बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं तो। ज़्यादा मेहनत हो गई यार ये तो। हाँ, बार बार चेंज करके आओ, 3 घंटे तो लगे होंगे कम से कम शूट करने में इस वीडियो को। गाना हुस्न परचम, कैटरीना का सॉन्ग है भाई, जीरो फिल्म का। हुस्न परचम,
You're obsessed with me. Mariam again. गॉगल्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, थोड़े और बड़े होने चाहिए. मेमुना अगेन. वाओ, इनकी आंखें देख कितनी बड़ी बड़ी और बहुत खूबसूरत है. उसके ऊपर इन्होंने जो किया है ऐसे ब्लशेश वगैरह जो किया है. ब्लश ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं. ब्लश तो यहाँ पर लगता है शायद. अरे यार, इसको भी लगता होगा कुछ तो लगता है. लैशेस बोलते हैं, लैशेस. हाँ, वो हमको पता नहीं है ना यार, थोड़ा मेकअप का हमको थोड़ा कम नॉलेज है. बट हाँ, देख के अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. मरियम परवेज. अंगूठा रब ने कल्ला चूसन नहीं दिता, कदे इंदे नाल लाइक भी कर दिया करो. ये अकेले थे यार. ये इफेक्ट अच्छा था. नहीं नहीं, दो लोग हैं. स्टार्टिंग में दिखाया कुछ ऐसा ही, बट के बॉडी डबल किया है. ये क्या से क्या हो गया. ये कोई रिश्ते वाले देखने आ गए होंगे इसलिए ऐसा हो गया है ना. सही है. देख वैसे ही शर्मा रही है ना. सही है. कोई रिश्ता वाला देखना है. मस्ती चल रही थी. को भी फर्स्ट टाइम देख रहा है. नाइस. बड़े प्यार से मुझे लगा कब होगा कब होगा, और जब हुआ तो मस्त हुआ. टाइमिंग बहुत सही थी. क्या बोलते हो उसे, एडवाइस. टिकटॉक है तो मैं इंस्टाग्राम को यही एडवाइस देना चाहूँगा. जैसे इन्होंने लिखा है ना, मेकअप जो भी इनका नाम है लिखा है, तो अपना नाम लिखा करो ऐसे, जिससे कोई अगर आपका वीडियो देखे तो उसे कोई शेयर भी करे तो उसको पता हो कि वीडियो है किसका. सर्च करने में आसानी हो इंस्टाग्राम पे उसे. हाँ, करते हैं डेफिनेटली. नहीं करते लड़कों की वो लेवल की स्किन भी नहीं रहेगी यार. काफी रब स्किन रहती है यार. क्या मस्त मेकअप करा है. बिंदिया चमके चूड़ी खन के लोंग मारे लश्कारे हम हो गए तो. ये भी वैसे ही लग रहा है मेकअप है. पर्पल 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 ब्लू. वाह, कितना पाउडर पड़ा है. चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ऊपर चेंज हो गया. फिर से वही इज होगा. उन्होंने पहले बता दिया ये होने वाला है. अच्छा, वो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. कब वो ट्रेलर था, पिक्चर आ रही है. अरे हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा. फाइनल लुक दिखा दो. दिखाओ यार फाइनल लुक. अरे यार बहुत सुपर वीडियो. फनी था, फनी था और एंटरटेनिंग था. बहुत एंटरटेनिंग था. मतलब वीडियो ने एंड तक बना के रखा हुआ कि भाई चलो इसको स्वैप नहीं करते हैं. नहीं तो फिर ना पूरा अंगूठा चलता ऊपर. हाँ, स्वाइप अप ना करे कोई. ओहो, द ब्लैक क्वीन. इन्होंने यहाँ बिंदी भी लगाई है. ओहो, इस तरह से किसी मूवी में एक्ट्रेस की एंट्री होती है ना, पहले झूम के दिखाते हैं, फिर थोड़ी जुल्फे दिखाते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, फिर जूम आउट करते हैं. हाँ, उनकी आंखें तो देख. हाँ, रियल है ये. ब्लू. ये रियल आईज है या लेंस लगा है. मुझे ऐसा लगा लेंस लगा होगा. फाइनल रिजल्ट इज अमेजिंग. कुछ भी हुआ हो बीच में, फाइनल रिजल्ट जो आया है ना, वो फोटो लायक है. वो अच्छा है. बाकी यार आईज अगर रियल होगी ना तो मजा आ जाएंगे देख. ग्लेम अप बाय सहर. इस तरह से नाम लिखना चाहिए सभी इंस्टाग्रामर्स को. ऐसा लग रहा है इनको मैंने देखा हुआ है. नाइस. स्लो मोशन जो होता अपना. सिंपल लुक्स मुझे ज्यादा पसंद है. सिंपल लुक्स थोड़े से ज़्यादा अच्छा लगता है. मेकअप इसमें भी है लेकिन थोड़ा रियल लाइफ में ही अच्छा लगता है. रियल लाइफ में ही अच्छा लगता है. वो टिकटॉक के लिए सही है. वो चीज़ें टिकटॉक के लिए सही है.
सही था ये, धड़क धड़क धड़क, ये वो सही था, वो क्रीम यहाँ जा जा उंगली कर रहे वहां लग रहा है। ओ ये तो बंटी और बबली वाला लुक आ गया, बबली। ओ नाइस, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। नाइस यार, बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा था। मैं बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, मेकअप तो है ही, देख इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, हमने इनका वीडियो देख लिया, हमें पता ही नहीं चला ये है कौन। अगर पता होता तो हम इनको फॉलो कर लेते जैसे कि जैसे हम इन्हें फॉलो कर लेते, हो सकता है या हमारे व्यूअर्स जाके फॉलो करते, हमारे फॉलो कर लेते। ओहो नाइस, क्या से क्या हो गया, ये पूरा सेलेना गोमेज वाला लुक। हाँ सेम, मैं उनका सॉन्ग सुन रहा था तो मुझे लग ही रहा था कि ये उनका ही कुछ होने वाला है, पूरा सेम भाई। मरियम वंस अगेन, ये टिकटॉक पर, ये इंस्टाग्राम ब्लॉगर के नाम से फेमस। नाइस, वही वीडियो यहाँ पे भी अपलोड कर देती होंगी। हाँ एंड वाला बहुत अच्छा था उनका। वैसे ये बात सही है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या कि कोई इंस्टाग्रामर बोल रहा है, कोई टिकटॉकर अलग हो गए, इंस्टाग्रामर अलग हो गए, बट सच बात तो यही है कि सारे टिकटॉकर भी इंस्टाग्राम पे आज के टाइम है और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेकर बैठे हैं और वीडियोस भी पोस्ट करते, तो रील से पहले से ही कर रहे हैं, तो ये क्या है कि इंस्टाग्रामर अलग टिकटॉकर अलग, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है सब एक है, सब सेम ही है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। बट एक चीज इसमें वीडियो में कमी थी वो थी इनके नामों की, इंस्टाग्राम में ऑब्वियसली नाम नहीं आते हैं लेकिन वो आपको खुद डालना, बट एक ये डिफरेंस देखने को मिला कि ब्लॉगर्स जो है कोई ना कोई टैलेंट है उनमें, थोड़ा सा टैलेंट है, थोड़े ज्यादा मेकअप का टैलेंट है और ये सब चीजें ज्यादा। हाँ, जो अपने क्रिंज देखा इससे पहले टिकटॉक का, वो नहीं है इसमें, वो क्रिंज नहीं दिखता है इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स के, या हो सकता है अपने देखा नहीं। हाँ तो वो वैसे इंस्टाग्रामर को सजेस्ट भी कौन करेगा। हाँ ये बात भी सही है, सही है ना यार। इंस्टाग्राम पर देखो वही बंदा चलेगा जिसका वीडियो ऐसा हो जो बंदा देख के सोचेगा कि ये मैं मेरे दोस्त को भी दिखाऊंगा, जैसे मिशेल राजपूत का मेकअप था, अब वो मैं देखा, मैं देखूंगा जैसे, तो वो मैं शेयर करूंगा यार देख क्या मेकअप क्या यार क्या सामान। बहुत सारे ऐसी भी थी इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स जिनको उनको देखने में अच्छा लगा बट हम उनका नाम ही नहीं जानते। हाँ। तो अब हम बताएं क्या उनके बारे में आपको, तो प्लीज अगर कोई भी इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना नाम या अपना सिग्नेचर जो जरूर मेंशन कर दिया करो, जिससे काफ़ी लोगों ने किया भी है इसमें, तो उनका नाम हमें पता चल गया। इस तरह जैसे ग्लो अप विद सहर ऐसा करके था एक यूज़र नेम, तो इस तरह से आप भी अपना यूज़र नेम शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे क्या है कि हमारे व्यूवर्स भी अगर देखते हैं आपको या हमारे जैसा कोई और भी आप पर रिएक्शन करता है तो पब्लिक आप तक पहुँच पाएगी, रीच आपकी जो है बिल्कुल थोड़ी आसान हो जाएगी। तो गाइस आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, हमें भी इंस्टाग्रामर बना दो, फॉलो कर लो यार, फॉलो कर लो, बढ़ा दो यार, मेरे 2000 ही नहीं हो रहे हैं, मेरे 10,000 करवा दो, 10,000 करवा दो, मेरे तो 2000 करवा दो, पहले मुझे 2000 देखना है मेरे अकाउंट पे, 2000 कब होंगे, तो थोड़ा फॉलो करो। ये भी एक रिकॉर्ड होगा ना, विदाउट एनी टैलेंट 10,000 फॉलोवर्स, 10,000 फॉलोवर्स नहीं यार, वैसे वी आर गुड रिएक्शन चैनल, तो रिएक्शन देते हैं, देखो खुद की बुराई खुद को देखो कितना, खुद को गलत एक देखो, ब्रेव इंसान ही बता सकता। हाँ नहीं, बाकी खुद से प्यार होना ही बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।